खामोशी एक समंदर है, एक अजियत भी है। कुछ लोग इतने खामोश होते हैं कि उन्हें देख के लगता है कि ये अपनी आवाज को भी तरस जाते होंगे। हमें अक्सर वहशत होने लगती है उन लोगों की खामोशी से जो अचानक हंसते हंसाते चुप हो जाते हैं, मगर क्यों? हर एक की खामोशी के पीछे एक हादसा होता है। कुछ लोग उस खामोशी में अपनी जात से जंग लड़ रहे होते हैं। वो चुप होते नहीं बल्कि उन्हें चुप करवा दिया जाता है, किसी को लफ्जों की मार देकर, किसी की मोहब्बत की तजलील करके और किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर या किसी की आंखों से ख्वाब छीनकर। बस फिर खामोशी उनका मुकद्दर बन जाती है। कहते हैं कि खामोशी एक जवाब भी है, बहुत अच्छा जवाब। जिन्हें हम कुछ नहीं कह पाते उन्हें हमारी खामोशी जवाब देती है, और खामोशी बहुत अच्छा जवाब है जो सामने वाले को चीखने पर मजबूर कर देती है। चुप से बड़ी बददुआ कोई नहीं होती। जब बंदा बोलता है तो कुदरत खामोश रहती है, और जब बंदा खामोश हो जाता है तो कुदरत इंतकाम लेती है, और कुदरत का इंतकाम बहुत बुरा होता है।